हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। ये जो मैंने आप लोगों के सामने कल HTET PGT का जो प्रीवियस ईयर है उसको मैंने आप लोगों के सामने सोल्व किया था, जो CDP का पोर्शन होता है उसको हमने सोल्व किया था, तो उसके 15 क्वेश्चन हमने निपटा लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा करके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ उस वीडियो में लगभग एक घंटे में मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और 15 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने कम से कम 5 से 7 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। तो एक बार उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद इस सेकेंड वाली क्लास को देखिएगा। अभी जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे, और इसी वीडियो में आपके 3 से 4 एक जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, साथ में अगर आप लोगों को लगता है नोट्स बनाने की आपको जरूरत है तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेज। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सभी व्यक्तियों में अलग अलग विभिन्नताएं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, आप में कुछ अलग हैं, मुझ में कुछ अलग हैं, तो उनके आधार पर कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है बतानी है, सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। भाई बिल्कुल सही बात है, कोई भी दो व्यक्ति हो, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती हैं, कि जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेज होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई लिखाई में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं वो डेवलपमेंट की अलग अलग डायमेंशंस को प्रभावित करती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। भाई जिसके अंदर जैसी विशेषताएं होंगी, जैसी जिसके अंदर जो एबिलिटी होगी वो उसी फील्ड में आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो सिर्फ आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं, तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो सिर्फ आनुवंशिकता के कारण नहीं आती हैं, बल्कि उसमें आनुवंशिकता और साथ में जो आपका वातावरण है उन दोनों का ही योग होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तित्व अध्ययन की सीलगुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? जो व्यक्तित्व अध्ययन है उसकी जो ट्रेट थ्योरी है, जो सीलगुण विधि है, उसके जनक कौन कहे जाते हैं? अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर दूसरे तीसरे नंबर पे ही शायद क्वेश्चन था जिसके अंदर मतलब विधियों का पूछा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था, तो उसके अंदर जो ऑप्शन था ऑप्शन में था ट्रेड थ्योरी वाला, तो मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था, आप लोगों को याद भी होगा, मैंने आपको क्या बताया था, आलपोर्ट। क्या आ जाएगा सही आंसर? आलपोर्ट। कि जो सीलगुण विधि है उसके जो जनक है वो कौन है? ऑलपोर्ट है। ठीक है, ऑलपोर्ट एंड कैटल, सीलगुणी विधि के ट्रेड थ्योरी के। फ्रेंड्स, अब जो और विधियां बच जाती हैं व्यक्तित्व अध्ययन की, उनको एक बार थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं घुसेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व वाला चैप्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, कि उसको पढ़ने में ही हमारा 1 से 1.5 घंटा आराम से लग सकता है, लेकिन हम बस उसका जो ओवरव्यू है कि भाई कौन सी विधि किसने दी थी, तो ये हम अभी निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने कल पढ़ी थी और आप लोग बोल रहे थे कि भाई ये जो हिंदी में है इसको इंग्लिश में बताएं, तो मैं आगे से कोशिश करूँगी थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी बता पाऊँ, क्योंकि मुझे भी लगा कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी हमें साथ लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ हैं उनको एक बार देख लीजिए। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, जो हमारा पर्सनैलिटी होता है, तो पर्सनैलिटी को मेजरमेंट की कुछ मेथड्स होते हैं, तो वो कौन कौन सी मेथड्स होते हैं? मनोविश्लेषण विधियाँ। कौन सी विधियाँ होती हैं? मनोविश्लेषण विधियाँ, साइको एनालिटिक विधियाँ, प्रक्षेपी विधियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? अप्रक्षेपी विधियाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि किन विधियों को मनोविश्लेषण विधियाँ बोलते हैं, किन को प्रक्षेपी बोलते हैं, किन को अप्रक्षेपी बोलते हैं, और कौन सी विधि किसने दी है, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मनोविश्लेषण विधियाँ हैं उसमें भी आगे दो टाइप्स होती हैं। जो मनोविश्लेषण विधि है उसके अंदर दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी?
फर्स्ट है हमारी स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। क्या है? स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। नेक्स्ट है सौपन विश्लेषण विधि। दोनों विधियों के नाम याद रखेंगे, स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि, सौपन विश्लेषण विधि। ओके, ये दोनों कौन सी विधियां हैं? मनोविश्लेषण विधियां हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सी मनोविश्लेषण विधि नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा स्वतंत्र शब्द साहचर्य, सेकंड मिल जाएगा सौपन विश्लेषण, थर्ड मिल जाएगा इनमें से कोई नहीं, और फोर्थ मिल जाएगा दोनों ही। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स है प्रक्षेपी विधियाँ। तो प्रक्षेपी विधियाँ कौन सी होती हैं जिनका मापन संभव हो पाता है, उनको क्या बोलते हैं? प्रक्षेपी विधियाँ बोलते हैं। पूछा जा सकता है कि जिन व्यक्तित्व मापन की विधियों का मतलब मापन संभव है तो उनको क्या बोलेंगे? प्रक्षेपी विधियाँ बोलेंगे। ठीक है, प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मनोविश्लेषण में मैंने आपसे बताया, प्रक्षेपी विधि से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रक्षेपी विधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। शाही धब्बा परीक्षण, ये आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? आप लोग कनेक्ट रहिएगा, आपको जल्दी ही सारे टॉपिक वाइज क्लासेज में मिलेंगी। शायद ये हमारी जो चार विधियां हैं, शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, प्रासंगिक जिसको थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट बोला जाता है शायद, बाल अंतर्बोध परीक्षण, तो ये जो होती हैं ये हमारी प्रक्षेपी विधियाँ हैं। ये कौन सी विधियाँ हैं? प्रक्षेपी विधियाँ हैं, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो प्रक्षेपण शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था। प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट आ जाता है अप्रक्षेपी विधियाँ। तो अप्रक्षेपी विधियाँ जिनका सीधा मापन संभव नहीं है, जिनका सीधा मापन संभव था उनको तो प्रक्षेपी बोलते थे, लेकिन जिनका सीधा मापन संभव नहीं है उनको अप्रक्षेपी विधियां बोलते हैं। प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, पर्यवेक्षित विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात विधिकार विधि। तो ये कौन सी विधियां हैं? अप्रक्षेपी विधियां हैं। ये कौन सी हैं? अप्रक्षेपी हैं, आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई जो सीलगुण वाली जो थ्योरी है वो किसने दी है, ठीक है? तो हमें हमसे पूछ सकता है कि जो स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि है उसके जनक कौन है। इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो स्वतंत्र शब्द जो साहचर्य विधि है डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं आपको, टॉपिक करवाऊंगी तब। स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि, इसके जनक कौन है? फ्रांसिसी गाल्टन, याद रखेंगे, फ्रांसिसी गाल्टन, ठीक है। सौपन विश्लेषण विधि, इसके जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन है इसके जनक? सिगमंड फ्रायड। आपको सभी जनक बता देती हूँ। जो अब प्रक्षेपी विधियों के अंदर जो हमारी फर्स्ट विधि आती है शाही धब्बा परीक्षण, ठीक है, तो उसके जो जनक कौन है? हरमन रोरसा। कौन है? हरमन रोरसा, याद रखना है। इसके अंदर कितने कार्ड होते हैं, कौन से कलर के होते हैं, ये सभी मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। प्रासंगिक अंतर्बोध जो हमारा परीक्षण है, जिसको थीमेटिक अप्रोच टेस्ट भी बोला जाता है, उसके जनक कौन है? मार्गन व मुर्रे। कौन है? मार्गन व मुर्रे, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, इसके जनक कौन है? पाइन व टैंडलर। आप सभी को बस सिर्फ नाम याद रखने हैं, इनको जब मैं डिटेल में करवाऊंगी ना तब आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसके जनक कौन है? लियोपोल्ड बेल्क। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अप्रक्षेपी विधियाँ, जिनके अंदर हमारी प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ उसके क्या है? जनक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास समाजमिति विधि, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि समाजमिति विधि के जनक कौन है, तो समाजमिति विधि के जनक कौन है? JL मोरेनो। कौन है? JL मोरेनो, याद रखना है। पर्यवेक्षित विधि के जनक कौन है? वाटसन। पर्यवेक्षित विधि, वाटसन, तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। व्यक्ति इतिहास विधि, टाइडमैन। व्यक्ति इतिहास, टाइडमैन। साक्षात विधि में क्या होता है? सबसे पहले इसकी शुरुआत USA में हुई थी, आमने सामने बैठ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि हमने एक क्वेश्चन की हेल्प से सारे जितने भी जो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ थी उन सभी के जनक हमने याद कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज करेक्ट फॉर रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है तो उसमें से कौन सा करेक्ट होगा? फ्रेंड्स अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल चुटकियों वाला क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो अब देखिए, सुनते हैं तो सुनने से क्या होता है? हम रिसीव करते हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं तो वो हमारा रिसीव करना नहीं है, वो तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्टिव स्किल्स हो गई हमारी, बोल रहे हैं
तो वो भी हमारी क्या हो गई, हम उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्टिव स्किल हो गई। रिसेप्ट किससे करेंगे, पढ़ने से करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर 3 जो ऑप्शन है हमारा कि सुनना और पढ़ना, तो वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सुनना और पढ़ना। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम रिसीव कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो रिसीव कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाता है भाई प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, हम प्रोड्यूस किस में करेंगे, तो जब हम क्या कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, ठीक है, और क्या कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, स्पीक करेंगे हम, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जबकि सुनना और पढ़ना क्या है, रिसीविंग स्किल्स हैं, रिसेप्टिव स्किल्स हैं। हम इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 19, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है, जो बुद्धि के कुछ मैं सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको बुद्धि वाला टॉपिक करवाऊंगी तब, तो त्रितंत्रीय सिद्धांत को आप लोग देखिए। त्रितंत्रीय सिद्धांत है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो किसने दिया है, तो किसने दिया है, वो स्टर्नबर्ग ने दिया है। किसने दिया है, स्टर्नबर्ग ने। त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, स्टर्नबर्ग ने दिया है। उसने इसके 3 सिद्धांत बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो सिद्धांत है ये बताता है व्यवहारिक बुद्धि, कौन सी बुद्धि बताता है, व्यवहारिक बुद्धि, जो प्रैक्टिकल अप्रोच से हमें आएगी जब हम किसी चीज़ों को प्रैक्टिकल करेंगे। व्यवहारिक वाले का ही सेकंड नाम क्या दिया गया है, संदर्भात्मक बुद्धि। क्या नाम दिया गया है, संदर्भात्मक बुद्धि, जो कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच से किसी चीज़ों को करने से व्यवहार में लाते हैं तब हम सीखते हैं, ओके। नेक्स्ट जो बुद्धि का जो टाइप बताया है स्टर्नबर्ग ने, वो बताया है रचनात्मक बुद्धि। कौन सा बताया है, रचनात्मक बुद्धि, जिसको हम अनुभवात्मक बुद्धि भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुभवात्मक बुद्धि भी बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ में क्रिएटिविटी करते हैं, किसी चीज़ की रचना करते हैं, तब हमारे अंदर ये गुण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो बताया है वो बताई है विश्लेषणात्मक बुद्धि, जो कि हमें तर्क वितर्क करने में हेल्प करती है। विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसको घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है, विश्लेषणात्मक बुद्धि को घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट वाली कौन सी है, व्यवहारिक, सेकंड वाली कौन सी है, रचनात्मक सृजनात्मक, और थर्ड वाली कौन सी है, विश्लेषणात्मक। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन क्या हो गई, सही हो गए। जबकि जो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो बुद्धि का प्रकार नहीं है, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल कोई भी बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वयं स्वीकृत नैतिक सिद्धांत समृद्ध हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गोलबर्ग थ्योरी, गोलबर्ग थ्योरी की बात की गई है, व्हाट लेवल ऑफ मोरलिटी, कि वो मोरलिटी का कौन सा लेवल आता है, व्हेन मोरलिटी इंक्लूड्स सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल, कि जब हम अपने द्वारा बनाए गए जो हमने जो स्वीकृत कर लिए हैं उनके अंदर जो व्यक्ति है वो उनके अंदर तल्लीन होने लगता है, उनको अपनाने लगता है, जो सेल्फ एक्सेप्टेड उसके जो मोरल्स होते हैं उनको वो अपनी मोरलिटी में इंक्लूड करने लगता है, तो ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर रूढ़िगत, यानी जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर कोलबर्ग का जिक्र आया है तो हमें कोलबर्ग थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम किसको पढ़ते हैं, कोलबर्ग थ्योरी को निपटा लेते हैं, ओके। आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप बताते हैं कि भाई ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, तब मैं भी सोचती हूँ कि हाँ भाई इसको ऐसे अलग से अच्छा किया जा सकता है। लेकिन जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें अपना बेस्ट आप लोगों को दे पाऊँ। और साथ में आप लोग वीडियोज़ को, कल आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि हाँ चलो अच्छा है, किसी की हेल्प हो रही है, तो इससे बढ़कर तो और क्या बात हो सकती है, समझ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत, जो किसने दिया था, कोलबर्ग ने दिया था। कौन कौन सी स्टेज बताई थी, क्या क्या बताया था, उनमें सब आपको बताते हुए चलूँगी, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था, कोलबर्ग ने दिया था। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किसने दिया था, कोलबर्ग ने दिया था, 1958 में दिया था, लेकिन बाद में 1981 और 84 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, और वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं वो 1984 वाला ही पढ़ते हैं। कोलबर्ग ने
हैंज की द्विधा माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। ओके, जो कोलबर्ग हुए हैं उन्होंने एक बुक दी है साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, याद रखेंगे साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो बुक है वो किसकी है, कोलबर्ग की है। ओके, तो अब बात करते हैं जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स मेनली उसके अंदर तीन स्टेजेज बनाई गई हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी परंपरागत, कौन सी आती है परंपरागत, फर्स्ट क्या आती है हमारी पूर्व परंपरागत, सॉरी फर्स्ट क्या आती है पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िवादी जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोला जाता है। कब से कब तक की आयु की बताई है ये, 3 से 9 वर्ष, जब बच्चा 3 साल का होता है और 3 साल से 9 वर्ष तक उसके अंदर जो मोरलिटी की कौन सी स्टेज होती है, पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में नैतिक आचरण 2 प्रकार के होते हैं, इसके भी आगे 2 सब टाइप्स हैं, कौन कौन सी, दंड या आज्ञापालन उन्मुखता, सेकंड है हमारा साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता। जो दंड और आज्ञापालन उन्मुखता है वो बच्चे में कौन सी स्टेज में होती है, जब बच्चा 3 से 6 वर्ष का होता है तब उसमें कौन सी स्टेज होती है, दंड या आज्ञापालन उन्मुखता, यानी बच्चा है वो बड़ों की आज्ञा का जो पालन है वो दंड के भय से करता है, बच्चे को पता है कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे क्या किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, तो इसलिए वो अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। ओके, नेक्स्ट जो स्टेज है इसी के अंदर पूर्व परंपरागत के अंदर वो 6 से 9 वर्ष के बच्चे की होती है, जब बच्चा किसी पुरस्कार की प्राप्ति के लालच से नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है, वो अपनी मोरलिटी किस लिए शो करता है, क्योंकि उसको वो मोरलिटी शो करने से कोई पुरस्कार प्राप्त होगा, ठीक है, और उसी में अपनी क्या समझता है, वो भलाई समझता है। तो ये 2 स्टेज थी, आप लोगों को समझ में आई होगी। सबसे पहले जो हमारे पास जो मेन स्टेज है वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था। ओके, उसके अंदर हमारा क्या है, पूर्व परंपरागत अवस्था के अंदर 2 हमारी सब स्टेज हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट हमारी आती है दंड आज्ञा पालन उन्मुखता, कि भाई दंड के वजह से बच्चा क्या करता है, डर के मतलब भय से, भय की वजह से, दंड के भय से बच्चा आज्ञा का पालन करता है 3 से 6 वर्ष की आयु में, लेकिन जब बच्चा 6 से 9 वर्ष का हो जाता है तब हम उसे किसी पुरस्कार का लालच दे करके अपनी आज्ञा मनवा सकते हैं, उसके नैतिक आचरण शो करवा सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स आती है हमारी परंपरागत या रूढ़िवादी। नेक्स्ट क्या आती है, परंपरागत या रूढ़िवादी या जिसको कन्वेंशनल स्टेज भी बोला जाता है, ये 9 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चे के बीच में देखने को मिलती है। इसके अंदर भी 2 सब स्टेज हैं, कौन कौन सा, अच्छा बालक अच्छी बालिक उन्मुखता, और नेक्स्ट हमारी सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता। इस अवस्था में फ्रेंड्स क्या होता है, जब 9 से 15 साल का बच्चा होता है तो वह धीरे धीरे परंपराओं को समझने लगता है। इसके अंदर 2 सब स्टेज है, पहला जब 9 से 12 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो अपनी प्रशंसा सुनने के प्रयास में, हम उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, वो अपनी बड़ाई सुनने के प्रयास में क्या करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, हम बच्चे की प्रशंसा कर देते हैं और बच्चे को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, इसलिए वो मोरलिटी को शो करता है, मोरलिटी व्यवहार को अपनाता है। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता, जो 12 से 15 वर्ष में आ जाती है। इस समय भी बच्चे क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसा नैतिक आचरण प्रदर्शित करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, इसलिए वो नैतिक आचरण प्रदर्शित करने लगते हैं। फ्रेंड्स 2 सब स्टेज थी इसकी, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट जो स्टेज आती है उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिससे हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये कब होती है, जब 15 वर्ष से अधिक का बच्चा हो जाता है, परंपराओं से ऊपर उठ करके आचरण प्रदर्शित करने लगता है। इसमें 2 सब स्टेज है, सामाजिक बंधन उन्मुखता और नेक्स्ट है हमारी सार्वत्रिक नीति उन्मुखता। जब 15 से 18 वर्ष का जब बच्चा होता है तो इस चरण में पूर्ण परिपक्व हो जाने के कारण क्या सही है क्या गलत है क्या होना चाहिए आदि पर विचार करते हुए आचरणों का प्रदर्शन करता है या सामाजिक बंधनों को ध्यान में रखकर आचरण करता है। उसे पता है कि भाई समाज में मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे अच्छा समझा जाएगा, ये चीज़ करूँगा तो मुझे बुरा समझा जाएगा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक बंधनों को ध्यान में रखते हुए अच्छा बनने की कोशिश करता है 15 से 18 वर्ष के बीच में। सार्वत्रिक नीति उन्मुखता 18 वर्ष से अधिक, जब बच्चा 18 वर्ष से अधिक हो जाता है तो इस चरण में व्यक्ति सार्वभौमिक व्यवहार की नीति को ध्यान में रखते हुए अच्छे नैतिक आचरण व्यवहार को अपनाता है।
कि जब बच्चा सोच लेता है कि भाई हाँ ये सार्वभौमिक व्यवहार है, सभी ऐसा करते हैं तभी अच्छा बने रहते हैं, तो वो उस व्यवहार को अपना लेता है। उसे सार्वजनिक नीति उन्मुखता बोलते हैं, जो कि हमारे पोस्ट कन्वेंशन स्टेज में है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो फ्रेंड्स एक बार आपको समरअप करवा देती हूँ कि कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएँ बताई हैं, कौन कौन सी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और दोनों में दो दो चरण बताए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कोहलबर्ग ने टोटल कितने चरण बता दिए, 6 चरण। क्लियर, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ओके, आगे चलूँ। अब फ्रेंड्स हम पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, एडोलेसेंस जो पीरियड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये क्या होता है भाई, संधिकरण की व्यवस्था होती है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है, बिल्कुल सही बात है। यह अवास्तविकताओं की अवस्था है, यानी इस समय पर जो बच्चा है वो रियल नहीं होता, वो वास्तविक कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह पहचान की खोज का समय है, बच्चे को एंजाइटी होने लगती है, आइडेंटिटी अपने जो उसको पहचान है कि भाई मैं क्या करूँगा, क्या बनूँगा, क्या हूँ मैं, इस तरह के विचारों में खोने लगता है। यह यौवन आरंभ की दहलीज है, जो थ्रेशोल्ड ऑफ प्यूबर्टी, यहाँ से जो बच्चे के अंदर जो प्यूबर्टी जो लक्षण होते हैं वो मतलब दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सभी किशोरावस्था की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो सही है, लेकिन इसके ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो इसमें कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, जो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, यानी इस क्वेश्चन की क्या दी गई है, ग्रेस दी गई है। ओके, सभी क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया, जो कि हमारे वाया है व्यक्तित्व मापन की विधियां, उसके अंदर हमने थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट पढ़ा था ना, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो किसने करवाया था, मुरे एंड मार्गन ने, किसने करवाया था, मुरे एंड मार्गन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो आपने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन से उस पूरे टॉपिक को क्लियर कर लिया तो आप काफ़ी आगे निकल जाते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुरे एंड मार्गन। नेक्स्ट आता है, जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्राप्त प्रदान किया जाता है, तो ये किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है, What type of reinforcement schedule is it when reinforcements is provided to the learner only after a certain number of responses? तो किसकी बात की जा रही है, certain number of responses, कि एक निश्चित जो अवधि होती है उसके बाद ही पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निश्चित अनुपात। इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रेशियो, भाई निश्चित समय में निश्चित मात्रा में ही रेनफोर्मेंस जो बात कर रहा है वो किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 फिर पियाजे से आ गया। तो पियाजे तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, स्टेट एग्जाम क्लियर करना है, तो पियाजे, थोंडाई, कोलबर, व्यक्तित्व वाला टॉपिक, बुद्धि वाला टॉपिक, इनको अच्छे से करिए। आपको लगभग मतलब 30 में से 10 क्वेश्चन तो यहीं से देखने को मिल जाएंगे। पियाजे का जो नैतिक विकास सिद्धांत है, अच्छा यहाँ पे किसकी बात की गई है भाई, जो पहले जो क्वेश्चन आया था कल जो स्कीमा वाला, उसके अंदर तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास वाला सिद्धांत था, लेकिन यहाँ पर जो पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास तो सभी ने पढ़ा है, लेकिन जो नैतिक विकास है उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसके क्या पूछ रहा है, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर 4, स्टेज ऑफ ऑटोनोमियस मोरलिटी, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो अब मैं एक बार आपको डिटेल में बता देती हूँ कि जो पियाजे का जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो आपको क्या बताता है, क्या सिखाता है, कौन सी अवस्थाएं दी हैं पियाजे ने अपने नैतिक विकास में। आप लोग सोच रहे हो पियाजे का सिर्फ संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, नहीं, पियाजे ने जो मोरल जो थ्योरी है, नैतिकता वाली जो थ्योरी है, नैतिक सिद्धांत है वो भी दिया है, ठीक है। देखिए जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी स्टेज बताई हैं, 2 स्टेज बताई हैं, कौन कौन सी, परायत नैतिकता की अवस्था और स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था, ठीक है। पराय मतलब दूसरा और स्वायत्त मतलब खुद से, तो जिसको बाह्य नैतिकता भी बोला जाता है।
प्रायत या बाह्य नैतिकता या फिर बाध्य नैतिकता। जब 2 से 8 वर्ष का जब बच्चा होता है तो बच्चों में जो नैतिक नियम विकसित होते हैं वह निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील, दृढ़ होते हैं। बच्चे न्याय एंड नियमों को दुनिया के ना बदलने वाले गुणधर्म मानते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई जो हमारे मम्मी पापा हमें बता रहे हैं वही बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यही दुनिया का नियम है, ऐसा समझते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन जो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है, नैतिकता बच्चे के समान स्तर के लोगों अर्थात सभी संगी साथी के बीच के संबंधों से उपजती है। दूसरों के अधिकारों के लिए चिंता एंड पारस्परिकता दिखलाई पड़ती है। बच्चा सोचता है नियम एंड कानून लोगों के बनाए हुए हैं। अभी तक तो क्या समझ रहा था, जब प्रायत नैतिकता की जब अवस्था थी, जब बच्चा छोटा होता है, 2 से 8 साल का जब बच्चा होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्शन होगा, 9 से 11 वर्ष नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करके बता दूंगी क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, कि बच्चों में जो नैतिक नियम है विकसित होते हैं, जो प्रायत नैतिकता की अवस्था है उसके अंदर, कह रहा है कि बच्चा क्या सोचता है कि भाई जो नियम है जो बना दिए गए हैं बस यही हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब वो 9 साल का होता है, स्वायत्तता नैतिकता की अवस्था में पहुंचता है, तब उसको पता लगने लगता है कि धीरे धीरे भाई जो नियम और कानून है ये तो किसने बनाए हैं, समाज ने ही बनाए हैं, हमारे खुद के ही बनाए हुए हैं। धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है। तो हमसे क्या पूछा कि जो किशोरावस्था की जो स्टेज है वो उसको हम कौन सी में रखेंगे, प्रायत्ता वाली में रखेंगे या स्वायत्ता वाली में रखेंगे, तो सीधी सी बात है कौन सी में रखेंगे, स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जो अधिगम है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसको सही तरीके में क्या चीज़ प्रभावित करती है, उसको पॉजिटिव रूप से क्या प्रभावित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, मीनिंगलेस कंटेंट। अगर हम किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को ऐसी मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, मैं अपने से ही लगा लेती हूँ, मैं आपको क्या कह रही हूँ, बिल्कुल अर्थहीन बातें कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, आपकी पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा आपकी लर्निंग पे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लैक ऑफ मैच्योरेशन। अब मैं तो आपको समझा रही हूँ लेकिन आप में क्या है, मैच्योरिटी की कमी है, आप चीज़ों को समझना ही नहीं चाह रहे हो, तो वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा लर्निंग पे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 लैक ऑफ मोटिवेशन। अब आप लोगों में मोटिवेशन तो है ही नहीं, बिल्कुल गट्स तो है ही नहीं, हाँ भाई मुझे ये करना है, मोटिवेशन तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशनल फीडबैक। अगर आप लोगों से इन्फॉर्मेशनल, आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसका फीडबैक लिया जाता है, तो ये क्या करता है, लर्निंग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह एक उदाहरण है। भाई प्रशंसा पाने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो ये किसका उदाहरण है, आंतरिक अभिप्रेरणा का या बाह्य अभिप्रेरणा का या जन्मजात भी, वो जन्म से ही ऐसा है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, वो क्या हो जाएगा, भाई दूसरे के मतलब दिखावे के लिए कोई काम कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो अब यहाँ पे जब मोटिवेशन का चैप्टर आया है तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको मोटिवेशन वाला कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है। अभी 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो पहले इन क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर मोटिवेशन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो क्या कह रहा है, एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जब उसकी मानसिक आयु 12 है। भाई जो इंटेलिजेंट IQ जो होता है वो निकलवाया गया है आपसे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपको क्या दे रखी है, उसकी रियल एज दे रखी है और उसकी मेंटल एज दे रखी है। तो किस तरह से निकालते हैं, क्या फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले आपको क्या रखनी होगी फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ इसको नोट कर लीजिए, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। आप लोगों को क्या करना होता है कि पहले आपको कौन सी एज लिखनी होती है, मेंटल एज। कौन सी एज लिखेंगे, मेंटल एज डिवाइडेड बाई जो रियल एज दे रखी है उसको लिखेंगे और उसको फिर 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये IQ का फॉर्मूला बन जाता है, मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, तो हमें जो मेंटल एज है वो कितनी दे रखी है, 12, उसकी वास्तविक आयु कितनी है, 15, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 4 जा 12,
3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हमारे पास क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 20 चौका कितना होता है 80, तो IQ क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। आपको बच्चे को क्या करना है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसमें क्या करनी है, उसको एनहांस करना है, तो आप कौन सा कार्य नहीं करेंगे ये पूछा गया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़िएगा, उसमें क्या मतलब नहीं जो वर्ड आता है उसको ध्यान से पकड़ करके चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ऐसा प्रेशर होता है कि हम नहीं की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, एनकरेजमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी, भाई जो उसके अंदर जो ओरिजिनलिटी है उसको एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल सही बात है। जब उसकी ओरिजिनलिटी को एनकरेज करेंगे बच्चे की, तो बच्चा क्या होगा, क्रिएटिव होगा। रिमूवल ऑफ फियर, जब बच्चे के मन में डर रहेगा कि भाई मैं कुछ अलग करूँगा, कुछ नया करूँगा तो मुझे डांट मिलेगी, तो वो क्या करेगा, नई चीज़ नहीं कर पाएगा, तो फियर को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ रेस्पोंड, कि उसको रेस्पॉन्स करने की क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऐसा करेंगे तब भी बच्चे क्रिएटिव होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, भाई अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब दो तरह की थिंकिंग होती है, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट, अपसारी और हबीसारी। तो कन्वर्जेंट यानी मतलब सोच को क्या करेगा, वो अपने को इकट्ठी करेगा, ठीक है, और डाइवर्जेंट वो मतलब विस्तार से सोचेगा। ओके, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है भाई, उसका क्या करेगा, अवॉइडेंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग की अवॉइडेंस करवाएगा टीचर, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 29 क्वेश्चन है, विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है, ये तो मैंने आपको पहले करवाया भी हुआ है फ्रेंड्स, कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर जाता है, तो कौन सा होता है, प्रोक्सीमोडिस्टल, कौन सा होता है, प्रोक्सीमोडिस्टल, जो मैंने आपके विकास के सिद्धांत करवाए थे उसमें करवाया था, अगर सर से पैर की तरफ जाता है तो वो कौन सा होता है, स्फेलोकोडल, वो कौन सा होता है, स्फेलोकोडल। ओके, नेक्स्ट है भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो फ्रेंड्स अभिप्रेरणा के दो क्वेश्चन आ गए मोटिवेशन के, एक आपसे पहले भी पूछा गया था भाई जो रोहित है वो प्रशंसा सुनने के लिए कर रहा है तो वो कौन सा था, भाई अभिप्रेरक था। तो यहाँ पे पूछा गया है जो भूख और प्यास है वो किस प्रकार का अभिप्रेरक है, तो भूख और प्यास हमें कहाँ से लगेगी, अंदर से लगेगी, हमारे मन से लगेगी, पेट से लगेगी, हमारे अंदर से आएगी ना भूख और प्यास का, हमें पता भीतर से चलेगा, तो वो कौन सा अभिप्रेरक है, आंतरिक अभिप्रेरक है। तो इसी के साथ ही सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल में करवाने की कोशिश की है, और अभी चलते चलते हम लोग मोटिवेशन वाला जो चैप्टर है उसको भी करते हुए चलेंगे। मैंने आपको बताया ना मोटिवेशन वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन बन गए, तो मोटिवेशन वाले चैप्टर को भी पढ़ ही लेते हैं। ओके, देखिए एक कल क्वेश्चन करवाया था उसमें भी मोटिवेशन का जिक्र था, ठीक है, 3 क्वेश्चन मिल गए इस वाले पेपर में। तो सबसे पहले तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या होती है भाई, कोई भी प्रेरक शक्ति काम करने के लिए मजबूर करती है, वही क्या होती है अभिप्रेरणा। अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, किस भाषा का शब्द है मोटिवेशन, लैटिन भाषा का, जिसका मीन्स क्या होता है, टू मूव, आगे चलना, किसी चीज़ को हम प्रेरित करते हैं मोटिवेशन में, ठीक है, यही करते हैं ना। मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग डेली मतलब पढ़ो, डेली ये करो वो करो, उस चीज़ को फॉलो करो, उसको मत करो, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। स्किनर ये भी ध्यान रखेंगे कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है या स्वर्ण पथ हृदय होती है, ये सब किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। अकॉर्डिंग टू स्किनर क्या है भाई, जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम का, सीखने का सबसे अच्छा मार्ग होती है, स्वर्ण पथ होती है, ठीक है। विलियम मैकडूवल ने क्या कहा है, विलियम मैकडूवल ने बताया है कि अभिप्रेरणाएँ वे शारीरिक मनोदैहिक दशाएँ होती हैं जो हमें किसी कार्य करने को लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। गुड ने क्या कहा है कि क्रियाओं को उत्तेजित रखने, जारी रखने, नियंत्रित रखने के लिए हमें अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। अब देखिए आंतरिक अभिप्रेरक और बाह्य अभिप्रेरक में क्या फ़र्क होता है, जो आंतरिक प्रेरक होते हैं वो प्राकृतिक और स्वाभाविक होते हैं, हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं, तो हमसे क्या पूछा गया था, वही जो भूख है प्यास है वो कैसे हैं, तो वो आंतरिक हैं, हमारे प्राकृतिक रूप से होते हैं, आपको भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, किसी अन्य को भी भूख लगती है, स्वाभाविक है, ठीक है। तो भूख, हमारे कोई इमोशंस, रोना, ठीक है, हंसना, नींद आना, काम करना, ये सभी क्या है, हमारे आंतरिक प्रेरक हैं। ओके,
ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रेरक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, सकारात्मक प्रेरक भी बोलते हैं। जबकि जो बाह्य प्रेरक हैं वो मानव निर्मित होते हैं, ओके, मानव बनाता है, बाह्य वातावरण से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम प्रशंसा सुनने के लिए कोई काम करते हैं, किसी पद को पाने के लिए कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, सजा के डर से कर रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, नकारात्मक प्रेरक कहा जाता है इनको। और ये बाह्य प्रेरक होते हैं, जबकि जो भी मैंने आपको बताया जो प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं उनको आंतरिक प्रेरक कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने दो प्रेरक माने थे, कौन कौन से, जन्मजात और अर्जित। उन्होंने क्या नाम दिए थे, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने भी स्वाभाविक और कृत्रिम, बातें वही है बस सिर्फ नाम बदला गया है। गैरेट के अनुसार दैहिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। और जो विलियम मैकडूगल थे उन्होंने तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था, कल मैंने आपको बताए थे कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति होती हैं, ठीक है। तो और एक आपको याद ये रखना है कि जो हिलगर्ड मोदे हुए हैं उन्होंने अभिप्रेरणा चक्र के 3 सोपान बताए हैं, कौन कौन से, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, नीड, ड्राइव और मोटिवेशन, ओके। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जब अभिप्रेरणा वाला जो चैप्टर पढ़ाऊँगी तब करवाती हूँ, ठीक है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको यहीं पे क्लियर करवाती हुई चलूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलती हूँ आपसे दूसरे टॉपिक के साथ।